प्रोफेसर विनोद खन्ना और आज मैं आपके सामने बात करूंगा हर मर्द के दर्द की। सदियों से मर्द औरतों को समझने की कोशिश कर रहा है, मैं भी कर रहा हूं। मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं और पिछले 3 सालों में मैं अपनी बीवी को समझने की, उसे खुश करने की काफी से मेहनत कर चुका हूं, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती थी। शादी के पहले साल मैंने अपनी बीवी को उसके बर्थडे पर एक मिक्सर ग्राइंडर दिया। मुझे लगा वो खुश हो जाएगी, मुझे लगा उसका काम आसान हो जाएगा, लेकिन खुश होने के बजाय वो गुस्सा हो गई और कहने लगी, मुझे क्या खाना पकाने वाली बाई समझ लिया है? क्या तुम मुझे एक रोमांटिक गिफ्ट नहीं दे सकते थे? मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। पिछले साल मैं उसके लिए स्मार्टफोन लेके आया तो महंगा है कहकर मुझे स्टूपिड साबित कर दिया। मैंने फिर भी हार नहीं मानी और इस साल बहुत सोच समझ के मैंने एक सरप्राइज प्लान किया। मेरे घर वालों ने मिलकर उसे एक सरप्राइज दिया, वो बहुत खुश हुई। अच्छा, उसे खुश देखकर मैंने सोचा चलो थैंक गॉड इस बार सब कुछ अच्छा हो गया। मैं ये सोच ही रहा था कि मेरी बीवी बोल पड़ी, विनोद सरप्राइज इतना अच्छा है तो गिफ्ट कितना अच्छा होगा। लेकिन मेरे लिए तो सरप्राइज ही गिफ्ट था, गिफ्ट एक और स्यापा। तो लीजिए जी, ये मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस है, लेकिन इस एक्सपीरियंस के बाद मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूं कि औरतों को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। गिफ्ट तो गिफ्ट, उन्हें तो सरप्राइज भी अपनी पसंद का चाहिए। तो आदमी क्या करेगा? इसी सवाल को ढूंढने के लिए, इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आज हम यहाँ पर सब इकट्ठे हुए हैं और मैंने अपने एक बहुत ही अच्छे दोस्त को न्योता भी दिया हुआ है, जिन्होंने सैकड़ों औरतों से बातचीत की, एक रिसर्च की और एक किताब लिख डाली। चलिए उन्हीं से पूछते हैं। तो अगर मुझे अच्छे से याद है, लास्ट टाइम मैं आपको अपनी शादी पर 3 साल पहले मिला था। हाँ। उस दिन से लेकर आज तक तब तुम खुश थे? हाँ सर, तब तुम खुश थे? हाँ सर, उस दिन मैं खुश था। मैंने ये नहीं पूछा, आज भी खुश हो शायद। बिल्कुल। तो उस दिन से लेकर आज तक मेरे साथ क्या घटा, आइए देखते हैं। आइए सर। I'm very happy to be here. I don't normally launch TV shows, but this one, ये जो show है, इसका title पिटवाने वाला है थोड़ा वैसे, क्योंकि मतलब कि ये कैसे नाम है, but definitely जब मैंने इसके promos वगैरह देखे तो मुझे बड़ा interesting लगा। मेरी अभी जो last actual book थी वो One Indian Girl थी, उसके लिखने के लिए भी मैंने जब एक लड़की की आवाज़ में मैंने वो book लिखी और काफ़ी मुझे रिसर्च करनी पड़ी और मैंने देखा कि ऐसा क्यों होता है, क्यों आदमियों को मुश्किल होती है, क्योंकि विमेन कई बार ऐसे तरीके से बात करती है कि हमें समझ नहीं आता। जैसे मेरा उस बुक का प्लॉट था कि उस लड़की को लड़का ढूंढना है, तो मैंने लड़कियों से पूछा तुम्हें कैसा लड़का चाहिए भाई, तो उन्होंने कहा हमें एक ऐसा चाहिए जो बड़ा सक्सेसफुल हो, करियर जिसका बहुत अच्छा हो, अच्छी इनकम वगैरह हो, मटेरियलिस्टिक ना हो। ठीक है, हमें कैसा लड़का चाहिए? हम चाहते हैं कि नो एक समबडी हु आई कैन रिलाई अपॉन, थोड़ा स्टेबल हो लाइफ में, सिक्योरिटी चाहता हो, ये वो चाहता हो, लेकिन थोड़ा एक्साइटिंग भी होना चाहिए, यू नो। तो ये ऐसे 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 जब बातें होती तो समझ नहीं आता कि मैं ऐसा आदमी चाहती हूँ जो यू नो हु इज़ इन कंट्रोल, वैसे कंट्रोलिंग भी ना हो, यू नो। सो और या मैं यू नो सो थिंक लाइक इट्स नॉन स्टॉप। सो अगर इफ़ यू आस्क अ गर्ल कि व्हाट काइंड ऑफ गाइड डू यू लाइक, मैं चूज ही नहीं हूँ, मैं तो कोई भी चलेगा, कोई, आई जस्ट नीड अ नाइस गाय, है ना, या फिर आई जस्ट नीड सेंस ऑफ ह्यूमर। तो पर इसका तो यू नो ही डजंट हैव फोकस, इसके पास तो ही डजंट हैव एनी करियर फोकस, और करियर फोकस वाला लाओगे तो फिर बोलेंगे इसके पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है। सो एंड दैट हैपेंस इन माय लाइफ आल्सो नाउ, आई हैव बीन मैरिड फॉर 18 इयर्स। एंड एक चीज़ जो मैंने नोट किया कि विमेन, वन टिप आई एम गिविंग यू, आपकी शादी को 3 साल मेरे 18 हो गए हैं, तो मैं ये बता रहा हूँ कि जब भी विमेन कोई क्वेश्चन पूछती हैं वो ये नहीं जानना चाह रही आप क्या सोच रहे हो, ये नहीं है पूछा जा रहा कि भाई फैजल व्हाट डू यू थिंक, दैट इज़ नॉट द थिंग। वो उसको आप एक केबीसी के क्वेश्चन की तरह इमेजिन करो, उनके माइंड में एक आंसर है, आपको वो आंसर देना है उस वक्त। ठीक है, तो आज शाम को हम बाहर जा रहे हैं, एज सिंपल एज दैट, खाना खाने बाहर जा रहे हैं। आप ये नहीं कह सकते आप मैं बड़ा थका हूँ मैं नहीं जा रहा, या अगर वो पूछे आपका मन है बाहर जाने का, नहीं बिल्कुल मन नहीं है, मैं तो टीवी देखूंगा बैठ के, ये नहीं, रॉन्ग आंसर। उसके माइंड में अब उस वक्त क्या आंसर है वो आपको करना है, ये वो दैट इज वन टिप आई एम गिविंग यू कि दैट इज व्हाट इट इज। सो दिस इज व्हाट आई हैव लर्नड द हार्ड वे। हाँ, कल रात को मैं बाहर था अपने फ्रेंड्स के साथ, तो फोन आया कि तुम कब घर आ रहे हो, तो राइट मेरे माइंड में आंसर था पता नहीं, यहाँ तो अभी पार्टी चल रही है, 2-3 बजे आऊंगा, तो मैंने सच्ची सच्ची बोल दिया, मैंने कहा पता नहीं है तो पार्टी चल रही है, 2-3 बजे आऊंगा, फोन ही कट गया।
एंड मैंने कहा क्या हुआ, कोई बात है? नहीं, मैंने कहा बट यू आस्क्ड मी व्हेन, कब आना है, तो मैंने बता दिया. बट वही उनके माइंड में आंसर था अभी आता हूँ, और मेरे को अभी आता हूँ कह के अभी चले जाना चाहिए था. तो दीज आर थिंग्स यू स्लोली स्लोली लर्न. एंड आई थिंक इसका एक मतलब एज अ कॉन्सेप्ट तो मुझे डेफिनेटली बहुत अच्छा लगा कि ये बहुत अच्छा शो बन सकता है. तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर एंड बिग कॉन्ग्रेट्स, थैंक यू. मीडिया भी इतना आया. चेतन साहब, मैं आपकी हर बात से सहमत हूँ. देखिए, हम लोग जानते हैं कि वैलेंटाइंस डे लोग औरतों के लिए मनाते हैं. मर्द औरतों को खुश करने के लिए क्या कुछ नहीं करते, उन्हें सरप्राइजेस देते हैं, उनके लिए गिफ्ट्स खरीदते हैं, उन्हें बेसिकली खुश करना चाहते हैं. लेकिन इस वैलेंटाइंस डे पे, ये वैलेंटाइंस डे हम मर्द अपने लिए मनाएंगे. तो इसीलिए हमारी तरफ से हर मर्द के लिए एक छोटा सा तोहफा, हर मर्द का दर्द 14 फरवरी से रात 8 बजे मंडे टू फ्राइडे लाइफ ओके पर. चेतन साहब, आपने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, हम सब जानते हैं. आपकी किताबों पर बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनी हैं, ठीक है, आप बहुत ज्ञानी हैं. तो इस प्रॉब्लम का सलूशन तो हमें चाहिए ही चाहिए. तो कुछ ये तो... बहुत मुश्किल है. मैं किसी भी चीज़ पे किताब लिख सकता हूँ, इंडिया की इकोनॉमी पे लिख सकता हूँ और यूएस के पॉलिटिक्स पे लिख सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ. लेकिन ये वाली जो किताब है ये मैं पूरी नहीं लिख पाया. आपने कहा था तो आधी लिखी है, पर मैंने कहा चलो वही आपको दिखा देते हैं कि कितना इसका साइज आ रहा है. और आई थिंक वी शुड लॉन्च दिस. चेक, 1 2 3 चेक चेक. दर्द तो हमारी लाइफ में कई हैं, सुख भी बहुत है, दर्द भी बहुत है. पर आज जो ये शो है हर मर्द का दर्द, ये हमारे फैजल साहब करेंगे लाइफ ओके पे 14 फेब से 8 बजे आएगा. और इसमें ये एक कैरेक्टर है जिसको, जो औरतों के बीच है और औरतों को समझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं पूरी दुनिया में कोई नहीं समझ पाया. तो क्या ये कर पाएंगे कि नहीं, वो इस शो में आप देखिए. हाँ जी, क्या जी, समझने की कोशिश जारी है. अब देखते हैं कब तक समझ पाऊंगा. लेकिन यही है कि जैसे सर हैं यहाँ पे, इन्होंने कितनी किताबें लिखी हैं, कितनी एक्सपीरियंस, ये भी अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं. तो मैं तो मतलब मेरे तो मतलब अभी बिगिनर है. बिगिनर है जी, बिल्कुल. ये एक आई थिंक लाइट हार्टेड प्रोग्राम है, एक लाइट हार्टेड वे में. आदमी और औरतों के बीच बेसिकली कम्युनिकेशन इश्यूज होते हैं, दोनों का बात करने का तरीका अलग है, कम्युनिकेशन स्टाइल अलग है, उस वजह से कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं. तो उसको एक लाइट वे में, एक ह्यूमर यूज़ करके एक प्रोग्राम बनाने की कोशिश की गई है, बहुत रिस्पेक्टफुली, कि भाई मज़ा भी आए और लोग समझें कि शायद इस प्रोग्राम को देखने वाले लोग एक दूसरे को ज़्यादा समझ पाए, औरत और आदमी एक दूसरे को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएँ. आई थिंक एक शो की एक राइटर भी एक महिला है, वन ऑफ द राइटर्स, और वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स एक प्रोड्यूसर भी महिला है. तो काफ़ी सोच समझ के बनाया है, तो काफ़ी एक नया टाइप का शो लग रहा है मुझे. तो मैं काफ़ी देख रहा हूँ, लुकिंग फॉरवर्ड. तो सर, जिस तरीके से देखा है तो प्रॉब्लम्स तो बहुत ज़्यादा होती है रिलेशनशिप में, चेतन मगर तो इस टाइम में आप क्या टिप्स देना चाहेंगे, किस तरीके से? वही हाँ, हम कब से जाना चाहते हैं. मैं यही टिप्स देना चाहूँगा आदमी को कि ये हम जान लें कि हालांकि आदमी औरत एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, लेकिन थोड़ा दोनों का चीज़ों को एक्सप्रेस करने का तरीका अलग होता है. आई थिंक वेमेन के लिए इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और वो कई बार डायरेक्टली बात नहीं कहती हैं. एंड आदमियों का बात करने का स्टाइल बहुत डायरेक्ट होता है, हाँ भाई चल चलते हैं शाम को खाना खाने, तो इसका मतलब शाम को खाना खाने चलना है. और हो सकता है कि अगर कोई वेमेन बोले तो शायद उसका मन नहीं है, लेकिन वो कहना चाह रही है कि तुम मुझे बाहर क्यों नहीं लेके जा रहे, या तुम घर पर क्यों नहीं खा रहे, या कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें. तो आदमियों को थोड़ा ये समझना है कि थोड़ा अलग स्टाइल है, बस वही है, उसको थोड़ा ध्यान से रखना है. पूरा आप नहीं समझ सकते, लेकिन उसके साथ आप गुजारा कर सकते हो.
पहले तो मैं ये कहूँगा कि इन्हें आप प्रॉब्लम्स ना कहें, ये नोकझोंक है, आपके घर में भी होती है, मेरे घर में भी होती है, तो जो ये शो है ये बस नोकझोंक के बारे में, हर एपिसोड में थोड़ी सी नोकझोंक है, क्या उसकी बीवी कहना चाहती है, क्या उसकी अम्मा उसको बताना चाहती है, वो क्या समझता है, और ऐसा नहीं है कि वो अपनी बीवी से ऊब गया है या अपनी माँ को पसंद नहीं करता है, वो बहुत खुश है, अपनी बीवी से बहुत खुश है, अपनी लाइफ से बहुत खुश है, लेकिन यही है कि दिन भर की नोकझोंक, कॉलेज के बाद आया तो नोकझोंक, कॉलेज से पहले जब कॉलेज के लिए गया तो तब नोकझोंक, तो ऐसी रोज़मर्रा की चीज़ों पर कि वो क्या समझता है और उसकी बीवी उसे क्या कहना चाहती है, बेसिकली बहुत ही एक लाइट हार्टेड ह्यूमरस वे में ये शो बनाया गया है। वैलेंटाइंस डे, और ये जो मैंने अभी अभी आपको बताया कि हर वैलेंटाइंस डे औरतों के लिए मनाया जाता है, मर्द मतलब हर साल आप देखें कि सरप्राइज प्लान होते हैं, मतलब गिफ्ट दिए जाते हैं, लेकिन ये वैलेंटाइंस डे लाइफ ओके वालों ने एक गिफ्ट मर्दों के लिए रखा हुआ है, हर मर्द का दर्द, आके देखें तो आई थिंक 14 तारीख को ये प्रेम का दिन है, और प्रेम के दिन में प्रेमी एक दूसरे को बेटर समझें, उससे बेटर क्या हो सकता है, तो इस शो के जरिए मैं, मेरे को उम्मीद है कि लोग इंजॉय भी करेंगे, मनोरंजन भी होगा, लेकिन आदमी और औरत एक दूसरे को बेहतर समझेंगे, तो आई थिंक अच्छा है, 14 तारीख अच्छी दिन चुना है, थैंक यू।